आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस और ऑथेंटिक रेसिपी, जिसे लोग खाने के साथ गरम गरम पीना पसंद करते हैं। इसे राइस और बड़े के साथ भी खाते हैं। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले तैयार करेंगे बेसिक मसाले, जिसके लिए लेंगे लहसुन, काली मिर्च, हींग और जीरा। इन सभी को खलबट्टे में दरदरा होने तक कूट लेंगे। खलबट्टे में कूटने से इसका टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक आता है। ये इस तरह से दरदरा ही कूट लेंगे। अब हम लेंगे एक चम्मच इमली, जिसे पानी में थोड़ी देर के लिए भिगा देंगे, जिससे कि इमली अच्छे से फूल जाएगा और हमें इसका पल्प मिल जाएगा। अब लेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर, जिसे रफली चॉप कर फिर जो हम इमली भिगा के रखे थे उसका पानी हम छान लेंगे। मैं यहाँ हाथ से कर रही हूँ, आप चाहे तो छन्नी में इसे छान लें। अब कढ़ाई में डालेंगे दो चम्मच ऑयल, जिसमें जीरा और राई से तड़का लगाएंगे। फिर डालेंगे इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। इसे भी थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद जो टमाटर और इमली का पल्प लिए थे उसे भी इसमें डालकर इसके साथ ही नमक और हल्दी डालेंगे और सभी को टमाटर गलने तक पका लेंगे। जब टमाटर अच्छे से गल जाए फिर हमें इसमें पानी डालना है। पानी इसमें अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये बिल्कुल पानी जैसा लगेगा। इसके साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और जो मसाले कूट के हमने रखे थे वो भी इसमें डालकर सभी को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक इसे पकाना है। रसम बनकर रेडी है, इसे आप गर्मा गर्म इंजॉय करें। ये बहुत ही कम तेल में और बिना मसाले के बनके तैयार होती है। इसे लोग सर्दी में पीना ज़्यादा पसंद करते हैं।